राधे राधे दोस्तों। तो बज रहे हैं सुबह के 7 और ये देखिए सार्थक तो उठ गया है, शगुन अभी सो रहा है। सार्थक नींद आ रही है अभी? तो सुबह का नजारा दिखाती हूँ आपको, बाहर का और चावटा देखिए, बाहर का नजारा। सुबह सुबह अच्छा लगता है एकदम, बढ़िया सा। तो दोस्तों नहा के हो गया तैयार और ये देखिए हमारी चाय सुबह की। ठीक ठीक है, बहुत ज़्यादा खास नहीं है, जैसे अपने घर वाली होती है ना चाय, वैसे नहीं है। घर वाली चाय पी गए तो एकदम ऐसा मज़ा आ जाता है, वो वाली बात नहीं है। तो अभी फिलहाल हमने पहन लिया है सूट और जब अभी तो अभी जाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए, तो चाय पी रहे हैं। तो बस बच्चे बच्चे सब अभी तैयार हो रहे हैं, पति देव भी अभी तैयार हो रहे हैं। सबसे पहले मैं नहा धो के आ गई हूँ, मैंने अपनी चाय अपनी स्टार्ट कर दी है। दोस्तों जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, अच्छा लॉक लगा रहे ब्रेकफास्ट करके आ गए हैं। अब हम हो रहे हैं प्रोग्राम के लिए तैयार। तो मैंने सूट पहन रखा है, अब मैं पहनती हूँ नई साड़ी। तो बस फिर मिलते हैं थोड़ी देर में तैयार होके। तो दोस्तों हो गए हम तैयार, ये ब्लैक ब्लैक पहनकर, ये देखिए हमारी ड्रेस। तो बस निकल रहे हैं अपने प्रोग्राम के लिए। चलिए बच्चे भी अपना तैयार है। हो गया चार्ज, हो गया आपका? दोस्तों गणेश वंदना से हुई प्रोग्राम की शुरुआत और फिर धीरे धीरे सारे परफॉर्मेंस वगैरह हुए। तो यहाँ प्रोग्राम में आने में हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, मतलब शुरू हो गई थी गणेश वंदना और सब लोग मतलब अपने सीट ले चुके थे, हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे, लेकिन हम लोगों की सीट थी बुक, तो इसकी वजह से कोई ऐसा नहीं था, क्योंकि हम लोगों की आगे की सीट थी। तो पतिदेव थोड़ा सा नाराज हो रहे थे, लेकिन देखिए प्रोग्राम शुरू हो चुका है। और मैं बोली यार तुम वैसे ही नाराज हो रहे हो, सब लोग आ ही रहे हैं, थोड़े थोड़े पीछे मतलब कुछ लोग आ रहे थे और कुछ लोग आ चुके थे। तो इस गुड़िया ने बहुत ही अच्छा सा ये डांस किया, देखिए बहुत गजब का हरियाणवी डांस। दोस्तों यहाँ मिले हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स जिनके साथ हमने काफ़ी सारी बातें की, फ़ोटो क्लिक की, बहुत अच्छा लगा सभी से मिलके। तो दोस्तों ये जो प्रोग्राम था ये सुबह ही स्टार्ट हो गया था 10 बजे से और शाम तक का था प्रोग्राम, क्योंकि पद्मिनी कोल्हापुरी मैम जो हैं वो शाम को आने वाली थी, तो सुबह से स्टार्ट कर दिया था क्योंकि काफ़ी सारे पार्टिसिपेट थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, काफ़ी सारे तो बाहर से आए हुए थे जिनका फर्स्ट सेकंड थर्ड का प्राइज़ भी रखा गया था। तो वो सुबह 10 बजे से इसलिए स्टार्ट कर दिया था क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोग्राम था, तो दोपहर को अपना 1 बजे तक चला ये प्रोग्राम, फिर उसका लंच का टाइम होगा, फिर लंच के लिए फिर सब लोग चले गए। 1 बजे से 2 बजे तक का टाइम दिया गया कि लंच करके सब लोग अपनी अपनी सीट ले लें, फिर 2 बजे सब लोग लेकिन अपने आ गए थे सीट पे। तो ये देखिए मैंने यहाँ का व्यू नहीं दिखाया था आप लोगों को, ये येलो सोफे पड़े हुए हैं और जहाँ पद्मिनी मैम बैठी थी वो ब्लू कलर का सोफ़ा था, उनके लिए ब्लू कलर का सोफ़ा किया गया था। तो सभी से मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत मस्ती की सबने। हमने तो उनका लड़का काहे के लिए झुकेगा, यहाँ चल रहा है शगुन का इंट्रो और
उसके बाद शगुन की है यहाँ डांस परफॉर्मेंस। तो जैसे शगुन स्टेज पर चढ़ने वाला था उससे पहले ना काफी लग रहा था कि थोड़ा सा नर्वस है, तो मेरे पास ही बैठा था, मैं उसको बोल रही थी शगुन आप नर्वस दिख रहे हो, तो बोल रहा था हाँ मम्मा थोड़ा सा लग रहा है कि मतलब किस तरीके से होगा। मेरी तैयारी था, उसने तैयारी कर रखी थी अपने डांस की, लेकिन बोल रहा था थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि दोस्तों उसने पहले कभी ना डांस मतलब स्टेज पे इस तरीके से किया नहीं है, तो थोड़ा सा लगता है। जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था तो मुझे भी बहुत लगा था कि मतलब स्टेज पर चढ़ने में ही एक अलग ही लगता है, जब हम लोगों में घबराहट तो होती है, लेकिन धीरे धीरे जब करते रहते हैं तो प्रैक्टिस हो जाती है। तो मैं बोल रही थी शगुन इतना मत घबराओ, बहुत अच्छा होगा आपका। तो बोल रहा था हाँ मम्मा पूरा, वैसे तो मेरी पूरी तैयारी है, मैं अच्छे से करूँगा कोशिश, लेकिन थोड़ा सा लगता है, मतलब बोल भी रहा था कि हाँ मेरी पूरी तैयारी है, मैं इतना नहीं घबरा रहा, लेकिन वो घबराता हुआ मतलब थोड़ा सा नर्वस दिख भी रहा था। तो बस उसके अपना डांस परफॉर्मेंस की अपना ही सॉन्ग उसका चल नहीं रहा था, तो उसको पापा भी गए थे अपना उसका सॉन्ग निकालने के लिए, तो सेलेक्ट करा रहे थे उसका सॉन्ग कौन से वाला है। इसके बाद होता है उसका गाना स्टार्ट, और फिर थोड़ा सा लगा धीरे धीरे कि हाँ मतलब सही कर रहा है अच्छे से, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी बहुत गजब, उसने डांस भी बहुत गजब किया, मतलब सब लोगों ने तारीफ की, बहुत ही मस्त किया, मतलब फेस पे ऐसे फिर लगा नहीं स्टेज पे जाने के बाद कि हाँ वो थोड़ा सा नर्वस दिख रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। लेकिन हाँ जब डांस करने से पहले वो उतना नर्वस था, बाद में नहीं लगा, फिर तो लग रहा था जैसे वो गाने को मतलब अपना इंजॉय कर रहा है, और बहुत ही मस्त तरीके से बहुत ही अच्छे से एक्सप्रेशन दिए उसने फेस के, डांस भी मस्त किया, मतलब उसके जो मूवमेंट वगैरह थे बहुत ही गजब के थे, सब लोगों ने बहुत अच्छे से तारीफ की कि हाँ भैया बहुत प्यारा किया, मतलब मुझे पर्सनली लोगों ने काफ़ी लोगों ने कहा भी था कि आपके बेटे ने डांस बहुत मस्त किया। प्रैक्टिस वगैरह की थी तो मैंने नहीं देखा था कि उसने मतलब किस तरीके से क्या प्रैक्टिस की है कैसे नहीं, बोला था हाँ मामा मेरी अच्छे से हो गई है प्रैक्टिस, और लेकिन जब मैंने स्टेज पे उसका डांस देखा तो सच में ही इतना कमाल का डांस किया, मतलब उसे मतलब इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा डांस भी कर लेगा, क्योंकि डांस वगैरह वो बहुत कम करता है, आपने देखा भी होगा वीडियोस वगैरह में, तो ये था कि पता नहीं किस तरीके से करेगा डांस, ज़्यादा नहीं करता बहुत कम करता है, लेकिन उसने अपनी तैयारी कर रखी थी। और उसके बाद यहाँ पर देखिए कितने मस्त तरीके से कर रहा है, फिर होती है उसके पापा की एंट्री, फिर दोनों मिलके दोनों ने इतना धमाल मचाया भाई, सभी लोग इतना खुश हो गए बाप बेटे की परफॉर्मेंस देख के, लड़की देखी मुँह से सीटी बजे हाथ से ताली, तो इस सॉन्ग पे दोनों ने किया था और धमाल मचा दिया, बहुत ही मस्त परफॉर्मेंस थी दोनों की, सभी लोग बहुत खुश हो गए कि भैया बाप बेटे की परफॉर्मेंस देख के, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा हाँ भाई दोनों ने किया। तो दोस्तों इसके बाद आती है हम लोगों की बारी और यह हमारा इंट्रो चल रहा है। दोस्तों मैं संजय सारस्वत और मैं नीतू सारस्वत, नमस्कार आप सभी को। तो दोस्तों हम अलीगढ़ लॉक सिटी, सोशल मीडिया पर लोग हमें मैचिंग कपल के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों हमारा सफ़र शुरू हुआ था म्यूजिकली से, फिर उसके बाद कन्वर्ट हुआ म्यूजिकली टिकटॉक पर, और कुछ टाइम बाद टिकटॉक हो गया बंद, और हम लोग इतने परेशान हो गए थे जब टिकटॉक बंद हुआ था, लगा थोड़ी सी थोड़ा सा फेम मिलने लगा तो टिकटॉक बंद हो गया, अब कैसे क्या होगा, ऐसे इतनी मेहनत सब बेकार गई जो हमने बनाया था एक अपना मुकाम टिकटॉक पर, लेकिन फिर उसके बाद टिकटॉक बैन होने के बाद फिर इंस्टाग्राम ने अपना रील शुरू किया, उस पर हमने रील बनाना शुरू किया, और देखते ही देखते थोड़ा सा हमें इसमें कामयाबी मिलने लगी, तो बहुत अच्छा लगता है रील बनाने के। वैसे मेरा हार्डवेयर बिजनेस है डोर फिटिंग का, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई, तो यूट्यूबर और फेसबुक इंस्टाग्राम सभी पर हम लोग वीडियो डालते हैं, तो वहाँ हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है। यूट्यूब पर तो हमें आप सभी के प्यार की वजह से हमें सिल्वर बटन दो दो चैनलों पर मिल चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हम जो आए हैं ये सब आपका प्यार और आशीर्वाद ही है। तो दोस्तों यहाँ होती है हमारी परफॉर्मेंस स्टार्ट।
तो दोस्तों गाना आपको ऐसे तो समझ आएगा नहीं हमने किस पे परफॉर्म किया है, तो ये सॉन्ग है वो दिन याद करो। अरे वो दिन याद करो और वो तो मैंने झूठ बोला था। तो दोस्तों ये गाना है स्वर्ग से सुंदर मूवी का, मिथुन चक्रवर्ती और पद्मिनी कोलापुरी जी का। तो ये वैसे तो हमने पद्मिनी कोलापुरी जी के लिए ही तैयार किया है सॉन्ग उन्हीं के लिए। तो दोस्तों बहुत अच्छा सॉन्ग लगा हमको तो, ये हमने इसी पे कर लिया और अच्छा भी हुआ था। हाँ, क्योंकि अच्छा। यहाँ पे जब म्यूजिक बजाना ये वाला तो इसका मतलब साउंड बहुत अच्छा था, तो जिससे कि मतलब डांस भी अच्छा हुआ। दोस्तों इस सॉन्ग पे हमने एक बार पहले भी किया है, मतलब रील बनाई है, और यहाँ सेकंड टाइम हमने डांस किया है इस पे। तो गाना मुझे तो बहुत अच्छा लगा था भाई, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा था पता नहीं कैसा होगा इस सॉन्ग पे, लेकिन जब किया तो बहुत मतलब म्यूजिक इतना अच्छा था इसका, तो बहुत अच्छे से हुआ डांस, मजा आ गया एकदम। और ये दोस्तों अब हमारा फेवरेट सॉन्ग जिसकी हमने आपसे पूछा था और आपने बताया भी था, काफी सारे कमेंट भी आए थे कि मतलब इस सॉन्ग पे कीजिए, तो मैंने पहले पूछा किस सॉन्ग पे करें दोस्तों हम, तो आप लोगों ने ये वाला सॉन्ग हमें सजेस्ट किया था। अभी देखिए कौन सा वाला सॉन्ग है। धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए, मस्त मस्त आंखों से छलका न मदीरा। ये वो वाला गाना जो आप सभी का फेवरेट है और आप लोगों ने सजेस्ट किया था, इसीलिए हमने इसी को फिर रिपीट कर दिया, क्योंकि पहले हम रील में बना चुके हैं एक बार। और हमारी छोटी सी छतरी देख के तो काफी लोगों ने तारीफ की। हाँ। कि आपकी छतरी बहुत क्यूट है, छोटी सी छतरी को लेकर तो कुछ लोगों ने मेरे को इस परफॉर्म के बाद भी पूछा था छतरी लाए कहाँ से आप लोग। मैंने कहा ये तो हमारे परफॉर्मेंस का हिस्सा था इसलिए साथ ही लेके आए। तो छतरी के बिना थोड़ा सा म्यूजिक अधूरा सा लगता है हमारा। हाँ। लेकिन छतरी से थोड़ी जान आ जाती है। हाँ। डांस में भी, और तो मस्त एकदम से अच्छे से हुआ डांस। अगर आप लोग दोस्तों कहोगे तो इसके हम ओरिजिनल वीडियो भी हम पोस्ट कर देंगे, मतलब जो अपना ब्लॉग है ना ओरिजिनल, यहाँ तो हमने वॉइस ओवर की हुई है, तो आप लोग आप बताना कमेंट में किस किस को देखनी है इसका ओरिजिनल ब्लॉग देखना है, तो हम ओरिजिनल भी पोस्ट कर देंगे इसको। बिल्कुल, क्योंकि ओरिजिनल का तो मजा ही एक अलग आएगा ना। ऐसे ये अब ये साउंड बज रहा है पीछे और हम वॉइस ओवर कर रहे हैं तो मजा इतना नहीं आ रहा होगा शायद। तो धूप में निकला नगर रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए। हम क्यों किसी का सहारा तके, हम अपना सहारा खुद बनेंगे, खुद जियो औरों को भी जीने दो, यही तो है जिंदगी का वास्ता और तुम्हें अमन की शांति का वास्ता। दोस्तों यही चीज मैं लेकर आया था और आप सबको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा स्नेह, बहुत सारा आशीर्वाद और गोल्ड जी को विशेष रूप से थैंक यू। जितने भी दूर दराज से यहाँ लोग, हम तो बहुत नजदीक से आए हैं, 210 किलोमीटर या 225 किलोमीटर से आए हैं, लेकिन मैंने देखा तो बहुत दूर दूर से लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर। मैं उन सब की इस मतलब आप ये कहिएगा कि जिस आप कुछ कर तो रहे नहीं, मुझे डांस नहीं आता, अब क्या करूं मौसी मेरा तो दिल ही ऐसा है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए दुनिया में सबके दिलों पर राज करने वाली हिंदुस्तान फिल्मी जगत की मशहूर अदाकारा पद्मिनी कोहलापुरी जी। आपका मोहाली और जेडी मोहन जेडी प्रोडक्शन द्वारा बहुत बहुत स्वागत यहाँ पर। उसको सौगात उतनी मिलेगी तुम जीवन में गर ना खिले तो उसे भी निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, मुझे लगने लगा मैं आपके सामने।
तो दोस्तों यहाँ मिला शगुन को अवार्ड स्पेशल परफॉर्मेंस के लिए, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस की उसने, तो मिल गया उसे अवार्ड, बहुत खुश है, बहुत ज्यादा। मोहन त्यागी, देव आनंद साहब, संदीप बागी, अलीगढ़ लॉक सिटी, अपना नाम इन्फ्लुएंसर्स है, इन सबसे मिलने का मौका दिया। यहाँ थोड़ा साइड में राजस्थान से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, बिहार से आए हैं, यूपी से आए हैं, सब जगह से आए हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्योंकि आप यूजुअली क्या करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को आप सोशल मीडिया पर ही देख सकते हैं, लेकिन यहाँ इन सबसे रूबरू होकर, इन सबसे मिलकर दिल और भी ज्यादा खुश हुआ। फिर इसके अलावा देवानंद साहब भी हैं, ऋषि कपूर जी भी हैं, क्या बोलूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। बच्चों ने इतना प्यारा डांस किया, मेरे गाने पर भी बहुत ही अच्छा डांस किया। अभी रिंकू जी बता रही थी कि इन्होंने भी अच्छा, जिस तरह से इन्होंने मेरी तरफ देखा कि बहुत ताने मिलते, मुझे लगा मुझसे ताने मिलते हैं। बट थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, एंड डूइंग अ ग्रेट जॉब ऑल इन्फ्लुएंसर्स, कीप गोइंग टू मिलियंस, यस, थैंक यू। आप टाइम मिलेगा ना अपने लिए, अब बनाएंगे, अब यहाँ ठंडा हो रहा है ना, वहाँ थोड़ी गर्मी हो रही थी, वहाँ एसी बंद हो गए थे ना एसी। चलो दो दो अवार्ड लेके घूम रहे हैं, देखो एक मम्मा पापा का, एक खुद का, फोटो भी लग रही है, हाँ फोटो और शवन भी लग रही है, इस पे तो गिटार बजाना है। हमारी हो गई है, अवार्ड मिल गए भाई दो दो, अभी यहाँ अच्छा लग रहा है ना, यहाँ अच्छा लग रहा है, बहुत गैदरिंग थोड़ी सी एसी थोड़ा सा खराब हो गया था, उसकी वजह से थोड़ी ठंडी हो गई, लेकिन सारा प्रोग्राम होगा, प्रोग्राम के एंड में जाके थोड़ा सा हुआ था, पानी देखो कितना हुआ, 6 बजे सुबह के, ग्यारह बजे शुरुआत था, 6 बजे तक हमारा गाइड थक गया, बहुत बुरा हाल हो गया हमारा,
हेलो दोस्तों, यहाँ प्रोग्राम के बाद चल रहा है डिस्कस और सब अपने अपने व्यू दे रहे हैं कि कैसा प्रोग्राम रहा, कितना अच्छा लगा। सभी लोग, ये गोल्डी अरोरा जी हैं जो ऑर्गेनाइजर हैं, इनकी पूरी टीम और हम सब इन्फ्लुएंसर अपनी अपनी राय दे रहे हैं। और ये हम आगे होटल के बाहर, क्योंकि लाइट चली गई थी, अब लाइट आ गई है, तो यहाँ अलग डिस्कस चल रहा है कि अब भाई बाहर आके रील बनाएंगे हम। और ये रिंकू झा जी की फैमिली है, इनसे हम बात कर रहे, तो फैमिली टॉपिक पर बात हो रही थी अभी, तो कि अपना फैमिली तो सभी की एक जैसी होती है, तो टॉपिक भी वही होते हैं, तो वो सारी बातें चल रही थी इनकी। और ये दोनों, जब लेडीज़ दो इकट्ठी हों तो
तो उनकी जुगलबंदी होती है, वो तो होगी ना जब दुबई दो लेडीज इकट्ठी होंगे तो बातें तो होंगी। उसके बाद हमने यहाँ पे रील वगैरह भी काफी सारी बनाई, हाँ, कई सारी बनाई थी, लाइटिंग थोड़ा सा अच्छी थी, तो अंकल आंटी जोधपुरी कपाल सभी लोग बना रहे थे, मून जी सभी लोग बना रहे थे यहाँ पे रील्स, क्योंकि लाइट थोड़ा अच्छी थी और थोड़ा अच्छा भी लगा था। जैसे प्रोग्राम खत्म होने के बाद सब लोग फ्री थे, टाइम पता टाइम कितना हो रहा है, 11 बज रहे हैं रात के, रात के 1 बजे तक हम लोग रहे थे, रात को रील बनाई हमने 1 बजे तक, 11 बजे से लेके 1 बजे, 2 घंटे हमने यहीं पे ही बाहर खड़े खड़े ही बिता दिए, बातें करते हुए रील्स बनाते हुए, लेकिन बहुत मजा आया, बहुत मस्ती की, हमारी एकदम फैमिली फ्रेंड की तरह जैसे बात होती है, हम मिले हम फर्स्ट टाइम ही है लेकिन बातें ऐसी हो रही है जैसे हम पुराने जानते हैं एक दूसरे, और दोस्तों ऐसा लग रहा था जैसे किसी बेटी की शादी होती है बाद में रिश्तेदार रुक जाते हैं ना, वो वाला पूरा फील आ रहा था कि भाई प्रोग्राम हो गया, लड़की विदा हो गई, अब सारे अपने अपने फैमिली रिलेटिव वाले व्यू दे रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त फील, एकदम मजा आ गया और बहुत अच्छा लगा, मन कर ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था वही सारे लोग रुके रहे, मतलब घर ना जाए, सभी लोग यही बोल रहे, ऐसा लग रहा है यही रुके रहे हम लोग, लेकिन जाना भी है जरूरी क्योंकि सबके अपने अपने काम होते हैं, मिलके बहुत अच्छा लगा सभी से। तो दोस्तों आ गए हैं प्रोग्राम अटेंड करके रूम पे, अब देखो ना तो पति देव ने तो चेंज कर लिए, 11:15 बज गए, थक गए, इतना थक गए भाई, इतनी बुरी तरह से थक गया, लग रहा है पैरों में शूज भी कहीं उतार दे, मैं उतार दूंगी, ऐसे करना चल रहा है, ऐसे पैर से पैर उतार देगा, पैर से पैर उतार देगा, देना अपने पैर से पैर उतार दे, चलो बच्चे बच्चे, और नीचे बोल रहे मम्मा चलो जल्दी से ऊपर, हम थक गए बहुत ज्यादा, सुबह के देखो तैयार हुए थे एक दूसरे के साथ रील बनानी और फिर सबके साथ बातें चल रही है, वो भी नहीं बन पाए ढंग से, अब किसी रील तो बिल्कुल नहीं बन पाई, हम हमारे साथ लोग बना के लेंगे, हमारी खुद की कंपनी है, हमारी खुद की नहीं बन पाई इतनी, हमारा नेट नीचे, हम नीचे था ना बेसमेंट में था, नेटवर्क ही नहीं था, बिल्कुल भी नेट नहीं चल रहा था, नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा था, तो ज्यादा बनी नहीं रील, थोड़ी जो ब्लॉगिंग जो हुई है बस वो हुई है, रील्स वगैरह नहीं बनी, लेकिन अच्छा होगा जो भी प्रोग्राम था ना, सारा अच्छा हो गया, बहुत मजा आ गया, तो साथ ही फिर आवाज बंद करना, मुरली अरोड़ा जी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और उनकी टीम ने रिंकू मलिक जी और सोनिमा सेठिया जी, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, बहुत मजा आया, एंजॉय किया, सभी लोगों से मिले, इस बहाने से देखो सब मिल गए, कुछ फ्रेंड भी ऐसे बन गए हैं भाई जो मतलब बहुत अच्छे वाले जो फ्रेंड बन गए हैं यहाँ पे आके, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई, गोल्डी जी को दिया जाएगा इसका धन्यवाद, इतने अच्छे लोग मिलाए और भाई इतने अच्छे अच्छे फ्रेंड बना दिए, है ना, नहीं तो कहाँ मिलना होता, कोई कितनी दूर है, कोई हम कहाँ है ना, तो बहुत अच्छा सा हो गया, अब लेकिन थक गया, चेंज कर लें फटाफट से, अब सुबह, लेकिन हमें तो सुबह जाना है, और कुछ लोग रुक रहे हैं कल भी, लेकिन हम लोग चले जाएंगे क्योंकि सार्थक का एग्ज़ाम है नेक्स्ट डे, तो वैसे इसकी तैयारी तो है लेकिन हमें टाइम से पहुंचना है, अब देखते हैं, मायका भी सब बीच में पड़ता है, अब देख जाना होगा कि नहीं होगा वो भी देखेंगे, सुबह अगर टाइम से निकल गए तो फिर तो पानीपत थोड़ा एक ऐसे 1-1.5 घंटे के लिए जाएंगे जैसे वापसी जैसे आए थे हम लोग, और अगर लेट हो गए तो फिर अपना सीधा निकल जाएंगे, है ना, देखते हैं, देखो हम तो नींद में अनझमाई आने लगी है, बच्चों का भी शगुन अपना सबने चेंज कर लिया, बस मैं ही रह गई हूँ, तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू।